आगे बढ़ रही है। आप तालियों से स्वागत करना चाहेंगे, जोरदार ताली, ताली की गूंज उठनी चाहिए। गणतंत्र दिवस मनाइए का गूंज होना चाहिए। आप ताली में कंजूसी ना करें, ताली दें, जोरदार ताली। मानिए महोदय का स्वागत। गुब्बारा और जोरदार ताली देना चाहेंगे, जोरदार ताली। गणतंत्र दिवस मनाइए। मधेपुरा में ऐसी विभूतियां हुई हैं जिन्होंने इस गणतंत्र को मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भूपेंद्र नारायण मंडल जी, श्री शिवनंदन प्रसाद मंडल जी, कमलेश्वरी प्रसाद मंडल जी सहित वाजा साह, सहित चुलिया यादव जैसे महान देशभक्त और महापुरुषों की ये मधेपुरा जन्मभूमि रहा है। अभी भी हमारे काफी जवान सीमाओं पे देश की सुरक्षा में लगे हैं। पिछली बार पुलवामा में भी हमारे यहाँ का सतीत कैप्टन आशुतोष शहीद हुए थे, हम उन्हें भी याद करते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन 26 जनवरी 1930 रावी नदी वर्तमान में पाकिस्तान में है। 26 जनवरी 1930 रावी नदी के तट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसमें एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था कि हिंदुस्तान में गणतंत्र की स्थापना करेंगे और एक स्वाधीन भारत का निर्माण करेंगे। 26 नवंबर को हम लोगों ने, हिंदुस्तान के नागरिकों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, लेकिन 26 जनवरी को हम लोग अभी भी मनाते हैं क्योंकि उस ऐतिहासिक दिन की हम याद करना चाहते हैं। इस इतिहास की धारा में ऐसा नहीं है कि पिछले 150 साल में या 100 साल में हम गणतंत्र बने हैं। हमारा और खासकर बिहार का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। वैशाली की गणना बहुत बड़े रिपब्लिक्स में गणतंत्रों में हुआ करती थी, जो रोमन एम्पायर से पहले के गणतंत्र हुआ करते थे। 26 जनवरी को हमने जब संविधान को अधिकृत किया, 26 नवंबर को अंगीकृत किया था और 26 जनवरी को हमने रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया।